आज से कुछ साल पहले दो तरीके से हम किसी गांव को पहचानते थे। ऐसा कह देते थे, अरे भूमिहार का गांव है वो, मतलब वहां पे सारे लोग भूमिहार ही हैं, मतलब एक जाति विशेष के लोग वहां रहते हैं, इसलिए हम उसको भूमिहार का गांव कह दिए। जैसे कोई सोना चांदी बनाता है तो ये कह दिए कि वो सोनार का गाँव है। और इस तरीके से गाँव की पहचान होती थी आज से कुछ साल पहले। फिर समय बदला और फिर हम लोग जानने लग गए कि अरे हो गाँव जानते हो, वहां पे सारा लोग जो है ना वो सरकारी नौकरी करता है। फिर पता चला कि फौजी है और उस गांव का नाम फौजी वाला गांव रख दिए। तो ये सब तो पुरानी बातें हो गई, अब एक नया अपडेट वर्जन आया है इसमें ही। और इस स्टोरी में जानते हैं अब उस गांव को क्या नाम से बुलाया जाता है, यूट्यूबर का गांव। हम आपको बताते हैं, हमारे देश में एक जगह है जिसको रायपुर के नाम से आप जरूर जानते होंगे। वहां के छत्तीसगढ़ से 45 किलोमीटर दूर एक गांव बसता है जिसका नाम है तुलसीपुर। वहां की आबादी जो है वो लगभग 3000 है। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि वहां के 1100 लोग जो है ना वो यूट्यूबर हैं। ना ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 1100 युवा जो हैं वो यूट्यूबर हैं, बच्चे बुजुर्ग, बच्चों में भी 5-5 साल की उम्र के बच्चे, बुजुर्ग में भी 45-50 साल तक के बुजुर्ग जो हैं वो यूट्यूबर बने पड़े हैं उस गांव में। और क्या औरत क्या जेंट्स, सब लोग यूट्यूबर है। और आजकल ये न्यूज में है कि ये यूट्यूबर का गांव बन चुका है। दोस्तों सच पूछिए तो यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने का। और आप इस चेहरा को तो जानते ही होंगे, ये रवीश कुमार है और ये पहले NDTV में काम करते हैं, वहां से इस्तीफा देते हैं और वहां जितना कमाते थे ना उसका 10 गुना ज्यादा यहाँ कमाते हैं। और अब आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि अरे राजन भाई तुमको कहाँ कुछ पता है, वहां से रवीश कुमार को निकाल दिया गया था इसलिए इनको मजबूरी हो गया यूट्यूब चैनल खोलना। तो यहीं पे हम आपको दिखाना चाहेंगे शुभांकर मिश्रा को। आज तक में एक बहुत ही तगड़े पैकेज के साथ वो काम करने लग रहे थे आज तक में। फिर वो कहते हैं आज तक को अलविदा कहते हैं और हम अपना कुछ शुरू करते हैं, और शुभांकर मिश्रा अपना शुरू करते हैं। अपना शुरू करते हैं तो हैरान कर देने वाली बात ये है कि जितना वो आज तक में कमाते थे उससे 15 से 20 गुना ज़्यादा पैसा जो है वो YouTube, Facebook और सोशल मीडिया से कमाते हैं, ये बात आप जानते होंगे। और इस वजह से बहुत सारे पत्रकार जैसे साक्षी जोशी, शुभांकर मिश्रा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपने TV जर्नी को छोड़ के अब YouTube पे वीडियो बनाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बस आप पत्रकार तक ही सीमित मत रहिए, पत्रकार के अलावा IAS अफसर, दरोगा, ट्रैफिक पुलिस, इंजीनियर, डॉक्टर, SP, DM तरह के तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया का लाभ उठाते हैं। और एक मिनट के लिए उनको अपने प्रोफेशन से ज़्यादा सोशल मीडिया का पावर पसंद आता है क्योंकि यहाँ नेम फेम पैसा भी बड़ा दबा के मिलता है। खैर दोस्तों आप इस वीडियो को अपने मम्मी पापा के पास शेयर कीजिए और बताइए कि व्हाट इज द पावर ऑफ यूट्यूब सोशल मीडिया। और नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ काम के साथ साथ कब शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना, जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पता तो चले कि आप जो काम कर रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।